इंश्योरेंस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक विच आर गोइंग टू डिस्कस रिटेलर के लिए इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इंश्योरेंस ऑफ कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसको सिक्योर करना है अपने गुड्स को भी उसको सिक्योर करना है अपने कैश को भी गुड्स की सिक्योरिटी आदर इट्स फ्रॉम द थेफ्ट और इट्स फ्राम द फायर और फ्रॉम द एनी अदर रीजन उसको इंश्योर करना है सो वट आर द इंश्योरेंस इश्यूज लेट्स डिस्कस दैम वन बाई वन जो कि रिटेलर को फेस करने पड़ते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्मड सिक्योरिटी गार्ड्स उसको क्या पहला कंसर्न है वो ये है कि ही हैज टू इंश्योर कि स्टोर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स प्रॉपरली हो स्पेशली गुड्स की सिक्योरिटी के हवाले से और कैश uh, की सिक्योरिटी के हवाले से अच्छा नॉर्मली व्हेन यू आर गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू रेस सम इंश्योरेंस क्लेम द फर्स्ट थिंग विच विच कम्स इनटू माइंड विच कम्स इनटू द डिस्कशन वो ये क्या उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर जहां पर ये इंसिडेंट हुआ इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट हुआ या इंसिडेंट ऑफ लॉस ऑफ गुड्स या लॉस ऑफ कैश हुआ क्या वहां पर प्रॉपरली सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे क्या वहां पर यूनिफॉर्म गार्ड्स मौजूद थे अगर तो थे तो इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर ऑफ योर कैश विल गिव यू क्लेम फॉर दैट लेकिन अगर ऐसा नहीं है सो ऑफ कोर्स एज ए रिटेलर यू विल फेस चैलेंजेस इन गेटिंग योर मनी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी देन राइजिंग प्रीमियम्स जितना ज्यादा रिटेल ग्रो कर रहा है उतना ज्यादा द रिस्क ऑफ द रिटेलर इज़ इज़ल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज द एक्सपोजर ऑफ द कस्टमर इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग जितना ज़्यादा कस्टमर फ्लो टू वर्ड्स मॉडर्न रिटेल बिजनेस बढ़ रहा है कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होता नज़र आ रहा है ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि रिजल्टेंटली रिटेलर के लिए कोई भी नुकसान का बास बन सकती हैं तो दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर रही है दे आर इंक्रीजिंग द प्रीमियम्स बिकॉज दे नो इट के रिस्क ऑफ लॉस इज टू हाई तो रिजल्टेडली दिस इज वन ऑफ द कंसर्नस फॉर द रिटेलर कि आपके पास कोई भी ऐसा सस्ता सोल्यूशन नहीं है कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है एंड द प्रीमियम्स ऑफ इंश्योरेंस आर गोइंग हाई मैं एग्जाम्पल शेयर करता हूँ जेट से अगर हम कैश के हवाले से बात करते हैं कैश इन ट्रांजिट की इंश्योरेंस तो प्रीमियम्स आर वेरी हाई दैट यू थिंक मेरे जो मार्जिन हैं वो ही किल हो जाते हैं मेरे जो की इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट में से जो वन ऑफ द कॉस्ट है वो आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट है बिकॉज कैरिंग कैश इन ट्रांजिट की इंश्योरेंस प्रीमियम इज टू मच हाई के दैट इज इंपैक्टिंग हैवीली टू द रिटेलर फिर देन रिड्यूस स्कोप ऑफ कवरेज बाय द इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी अगेन वन ऑफ द इश्यूज़ ये भी है कि वो उतना स्कोप को कवर नहीं कर रही है आपके फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहते हैं कि मैं कैश को कैरी करना चाह रहा हूँ फ्रॉम एक्स अमाउंट से ज़्यादा सो मे बी द कंपनी विल नॉट गिव यू दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस कवरेज और अल्टीमेटली रिटेलर क्योंकि कस्टमर की नीड्स को पूरा करने चाह रहा है तो उसको लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है तो दो तरह के चैलेंजेस हैं एक तो बिजनेस लॉस होगा और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स उसको कवरेज भी नहीं मिल रहा है फ्रॉम दैट इंश्योरेंस कंपनी और फ्रॉम दैट इंश्योरर फिर देन फ्यू जो इंश्योरर है वो सर्विस रिटेलिंग को सपोर्ट कर रही हैं वन ऑफ द चैलेंज इज ऑल्सो जहाँ पर सर्विस रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट है सर्विसिंग रिटेलर्स हैं वहाँ पर बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं कि जो कि बहुत थोड़े इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं जो कि फैसिलिटीज दे रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज दे नो दैट रिस्क इज़ हाई एक्सपोईर ऑफ लॉस एक्सपोयर ऑफ गुड्स एंड कैश इज़ हाई सो ऑफकोर्स दे विल ट्राई टू एवॉयड इट बिकॉज दे थिंक जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने अपना बिजनेस करना है वहां पर दे हैव टू इंश्योर के आल्सो एट द डे तो पॉइंट है आप ऑब्जर्व करेंगे कोई नेचुरल कैलॉमिटीज हैं कोई नेचुरल डिजास्टर है तो दैट इज नॉट कवर्ड थ्रू दी इंश्योरेंस इवन दी अगर आप फील कर फ्लड देर इज समय अर्थ क्विक सो दैट इज नॉट कवर्ड इन एनी इंश्योरेंस पॉलिसी सो नॉर्मली ये सारी चीज़ें मौजूद हैं उस इन्वायरमेंटल रिस्क को कवर करने के लिए रिटेलर को सपोर्ट चाहिए फ्रॉम दैट इंश्योरेंस कंपनी सो जहाँ रिटेलर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ कैश वो कैरी कर रहा होता है एट द सेम टाइम उसको जो चैलेंजेस फेस्ड हैं उसमें से एक ये चैलेंज भी है कि उसको फीयर फैक्टर हमेशा रहता है ऑफ कैश लॉस ऑफ गुड्स लॉस बिकॉज बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं कि जहाँ पर उसकी कवरेज थ्रू इंश्योरेंस नहीं है और वहाँ पर फिर रिटेलर का रिस्क बढ़ जाता है और उसको अपनी प्रॉफिटबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अगर वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स लेना चाहता है तो